अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। प्रोग्राम फुतरुस में हाजिर खिदमत है। अगर कोई अपने मौला को सलाम करना चाहे तो इस वक्त आप कॉल कर सकते हैं और अपनी आवाज़ को करबला तक पहुंचा सकते हैं और अपनी दुआओं को तलब कर सकते हैं। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। या अली अलैहिस्सलाम मदद। जी बिस्मिल्लाह फरमाएं। आपकी आवाज़ करबला में है। मौला को सलाम कीजिए और अपनी दुआओं को तलब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम या अमीरल मोमिनीन। अस्सलाम वालेकुम अबा अब्दुल्लाह हुसैन। अस्सलाम वालेकुम औलाद अल हुसैन अलैहिस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम अस्हाब अल हुसैन अलैहिस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम शोदाए करबला। अस्सलाम वालेकुम या अबुल फजल अब्बास इब्न अमीरल मोमिनीन। मौला गाजी अब्बास के सदके, शहजादे अकबर के सदके नजर करम करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि। मौला आपके इस खुलूस को कबूल फरमाए और इंशाअल्लाह जल्द अज जल्द करबला आने की सादत नसीब फरमाए। करबला मुकद्दसा जो कि मज़हब शिया के एतकादात में शामिल है, ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और फ़र्ज़ के हद तक है, वाजिब से बालातर फ़र्ज़ के हद तक इस ज़ियारत की ताकीद की गई है। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाह आपकी आवाज़ करबला में है। अपने मौला को सलाम कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। मौला पे लाखों करोड़ों दरूद और सलाम हो मौला हुसैन। आपकी ज़ात बाबरकत ज़ात है मेरे मौला हुसैन। आपको खुदा ने अपने नूर से बनाया है मेरे मौला। आप हम पे अपना करम कर दीजिए मेरे मौला। आप नूरानी हस्ती हैं, हमारी जिंदगी में भी नूर भर दीजिए, इल्म और अमल मार्फत दे दीजिए मेरे मौला। आपको वास्ता हज़रत अब्बास का वास्ता मेरे मौला, हज़रत अब्बास के अरमानों को वास्ता जो बाबुल हवाइज हैं, जो आपके भाई हैं, उन पे भी लाखों करोड़ों दरूद और सलाम हो मौला। मौला मैं आपके कातिलों पे क़यामत तक लानत करती रहूंगी मौला। बीवी फातिमा ज़हरा के कातिलों पे लानत करती रहूंगी मौला हुसैन। हमारी दुनिया का अच्छी कर दीजिए मेरे मौला। आपको वास्ता है, आपको आपकी बेटी के नसीबों का वास्ता मौला। मेरी वालदा अली सेहत दे दीजिए, जिंदगी दे दीजिए, तंदुरुस्ती दे दीजिए मौला। मेरे बहन भाइयों को, बच्चों को, सबको, जितने भी मोमिनात बीमार हैं, सबको सेहत जिंदगी सलामती दे दीजिए मेरे मौला। मौला आपको वास्ता है, आपके गरीबी का वास्ता मौला। हम गरीबों पर रहम फरमाइए, हमारी दुनिया आखिरत अच्छी कर दीजिए मौला। मौला आपके पास मौला आपकी मोहब्बत होती है ना मौला, वो अमीर होता है मेरे मौला। हमारे दिलों में इतनी मोहब्बत पैदा कर दीजिए मौला। ये शमा ऐसी मौला मौला इतनी बढ़ जाए मोहब्बत की मौला, कोई इंतहा ना रहे मेरे मौला। हमें मार्फत दे दीजिए अपने वक्त के इमाम जमाना के 313 में खास शुमार हो सके। इमाम की सदा पर लब्बैक कह सके मौला। यमन के हालात ठीक हो जाए मौला। दुनिया भर में हालात खराब है मेरे मौला। जनाब फातिमा ज़हरा के सदके से मेरे मौला इमाम जमाना का परवरदिगार ज़हूर कर दे, ताकि जन्नतुल बकी तामीर हो सके, ताकि इमाम हुसैन का खून का बदला लिया जा सके मेरे मौला। हमारे नसीब खोल दीजिए मेरे मौला, मेरे बहन भाइयों के, मेरे हम सब के परवरदिगार, मेरी बहनों के बच्चों के मेरे मौला। हुसैन परवरदिगार वो बच्चा जो जिसकी माँ ने आपकी मोहब्बत में नाम रखा मौला। हुसैन आप उससे मौला जिंदा जावेद कर दीजिए। वो चलने लगे, दौड़ने लगे मेरे मौला। आप वो मौला है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, जिसका एक एक खून का कतरा मुआवजा है। आज भी अगर करबला में शामिल है, कोई बीमार भी खाए तो वो भी शिफायाब हो जाता है। तो मैं तो करीम मौला से मौला आपसे सिफारिश कर रही हूँ मौला। हम आपकी मोहब्बत में, मौला हमारे घर में हमारे घर में आपकी मोहब्बतों में नाम रखे जाते हैं। मेरे मौला हुसैन, मेरी बहन का बेटा चलने लगे, रोने लगे। मेरे मौला हुसैन की मौजज़ा दिखा दीजिए, मेरे बहन भाइयों के नसीब खोल दीजिए। मौला आपकी तमाम दुआओं फरमाए और इंशाअल्लाह जो भी आपके हवाइज है मौला कबूल फरमाए, करबला आने की तौफीक नसीब फरमाए, आपके पूरे फैमिली पर अल्लाह रहम और करम फरमाए। लाइन पे मौजूद है ज़ैनब जाफरी साहिबा, दुआ गो है, बुलंद दराजात नियाज़ अली मौलाई, अल्लाह दराजात बुलंद फरमाए। मुसरत सोमरो साहिबा, सलमान शाह, शाइस्ता कंवल, हैदर साहब, मुंतज़िर हुसैन, सैयद ओवैस, अल्लाह इन तमाम मोमिनीन की दुआओं को मुस्तजाब फरमाए। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। मदद मौला अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाह फरमाए, अपने मौला को सलाम कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वाला हुसैन वाला इब्नुल हुसैन वाला औलाद हुसैन वाला साबिल हुसैन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेका या बखियतुल्लाह फिल अर्ज। मौला परवरदिगार पंजतन पाक के सदके में हमारे वक्त के इमाम की ज़रूर में ताजीर फरमा, फर्ज़ंद ज़हरा की ज़रूर में ताजीर फरमा। पालने वाले इलाही आमीन। या मेरे मौला या करीम करबला, 8 साल की 2023 की अब दूसरा दिन है, कल बात में हुई मौला, इसलिए मौला ये साल हमारे लिए बहुत मुबारक हो, सबके लिए शान हैदर करार के लिए। जो जिस परेशानी में घिरा हुआ है वो सब परेशानियां दूर हो जाएं, सबको मौला पास ज़ियारत करबला के लिए बुला ले, सबको ज़व्वार बना ले मौला, और हमें भी ज़व्वार बना ले। मुझे अभी करबला, मेरी बेटी को, मेरे शोहर को बुला ले, हमारा नाम भी लिख ले मेरे मौला दरबारों में। मौला के अरबईन की ज़ियारत पे मौला बुला लीजिए हमें भी, इस साल अरबईन हमें करबला में करना नसीब हो। बीबी जी को पुरसा दें हम, बीबी ज़ैनब को, उनके भाई का, उनके बच्चों का। या मेरे मौला या मेरे मौला जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर कर दें, जो बेरोजगार है उनकी रोजी को खोल दे, मेरे शोहर की रोजी के रास्तों को खोल दे, मेरे रोजी के रास्तों को खोल दे, मेरे नसीब को दिया मेरे मौला। जो बीमार है उन्हें शिफा दे, मेरे भाइयों का होटल खूब चले, अजगैब से इंतजाम करें, उनके सरमाया दे मौला, और उनका होटल खूब चले, उनका अपना हो जाए ये जो किराए का लिया है, जल्द से जल्द मेरे मौला। कि तीनों भाई खुशहाल रहे, खुशियों के साथ जिंदगी गुजारे, तीनों के दिलों में एक दूसरे की मोहब्बत रहे, बीवी बच्चों के दिलों में एक दूसरे की मोहब्बत रहे। या मेरे मौला और पंजतन पाक के सत्ते में बहक के नाम फातिमा मेरी अर्जी को कबूल कर लीजिए, आपका बड़ा एहसान होगा मौला। रोज हर वक्त यही एक सवाल है कि मौला मेरी अर्जी को कबूल कर लीजिए, इस यकीन के साथ कि एक दिन एक घड़ी आएगी कि मेरी अर्जी मंजूर होगी और मेरी सारी परेशानियां दूर होंगी इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम या अब्दुल्लाह अल हुसैन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मौला आपकी तमाम दुआओं को मुस्तजाब फरमाए और अल्लाह आपके पूरे फैमिली के ऊपर रहम करम फरमाए और इंशाअल्लाह करबला आने की तौफीक नसीब फरमाए। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जी बिस्मिल्लाह फरमाएं, आपकी आवाज़ करबला की बारगाह में सलाम अर्ज़ करना है। जी बिस्मिल्लाह फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल हुसैन। अस्सलाम वालेकुम अली इब्न अल हुसैन। अस्सलाम वालेकुम व औलादुल हुसैन। अस्सलाम वालेकुम व असहाबुल हुसैन। अस्सलाम वालेकुम बाबुल फजल अब्बास इब्न अमीरुल मोमिनीन। अस्सलाम वालेकुम फातिमा ज़हरा सय्यदुन निसाइल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम मौला अली शेर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम इमाम ज़माना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। खुदाया बारे इमाम चौदह मासूम के वसीले से जहाँ जहाँ मोमिन मोमिनात परेशान हो अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर फरमा। मौला हुसैन इस हमारी अपनी बारगाह में हमारा सलाम कबूल अता फरमाए। परवरदिगार चौदह मासूम के तुफैल से मौला हुसैन की ज़ियारत नसीब हो, हमारे बहन भाइयों को नजर बात नवेद सबको नसीब हो। खुदा आले मोहम्मद के सदके से गुनाह कबीरा और सगीरा को माफ फरमा। परवरदिगार आले मोहम्मद के सदके से जहाँ जहाँ जो लोग बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार, बिलखसूस मेरे भाइयों को रोजगार से अता फरमाइए, परवरदिगार सदा मासूम के सदके से। या अल्लाह जो शादी से बैठे हैं उनकी शादी अता फरमा, उसके फैल हमारी भी शादी बहन भाइयों की अता फरमा। परवरदिगार रिज़्क़ में जो तंगी है उनकी दूर फरमा। परवरदिगार जहाँ जहाँ मोमिनात बीमार है उन्हें बीमार करबला के सदके से उनको सेहत व कामला अता फरमा। परवरदिगार आलम इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील अता फरमा, इमाम की ज़ियारत का शरफ अता फरमा। या अल्लाह जो बीमार है उन्हें सेहत व सलामती अता फरमा। मौला हुसैन के सदके से मेरा वांझा हुसैन उनको सेहत व सलामती अता फरमा, मेरी वालदा को सेहत व सलामती अता फरमा। परवरदिगार आलम हमारे भाई इमरान को सेहत सलाम की फरमा, गुनाह कबीरा का माफ फरमा, खुदाया जो जानबूझ के अनजाने में माफ फरमा। परवरदिगार आलम नया साल शुरू हुआ है तो इसकी बरकत नाजिल फरमा, इसके जो आसार है गलत परवरदिगार से दूर फरमा, दुश्मनों के शर से महफूज फरमा, आने वाली बलाओं से महफूज फरमा। परवरदिगार आलम रिज़्क़ में जिनकी तंगी उन्हें दूर फरमा। परवरदिगार जो सैलाब से ज़ादगान से परेशान है अल्लाह की परेशानी को दूर फरमा। और ये आपकी जो टीम मौला हुसैन की टीम जो इमाम हुसैन चैनल, इनकी तरक्की अदा फरमा, इनके प्रोग्राम में तरक्की अदा फरमा। आप लोगों के जो काम खैर कर रहे हैं आपकी, इसमें मौला हुसैन के सदके से आपको तरक्की अदा फरमा, इसमें टाइम और आपको इजाफी मिल जाए अल्लाह के। आका हमारे लिए दुआ करना, हमारे आलिम की परेशानी दूर हो जाए। इलाही आमीन। मौला आपकी तमाम दुआओं को मुस्तजाब फरमाए, हमारा घर हो जाए अपना इंशाअल्लाह, मौला घर नसीब फरमाए और इंशाअल्लाह पूरे फैमिली के ऊपर खुसूसी रहमत और बरकत मौला नाजिल फरमाए और इंशाअल्लाह करबला आने की तौफीक नसीब फरमाए। शुक्रगुजार है आपके लाइन पे मौजूद है मुंतज़िर हुसैन, सैयद ओवैस, मुसरत सोमरो, आरिफा तालपुर और उनकी फैमिली, कमरुन्निसा, अजीम, फैसल, फयाज़, फरमान, अकबर और पूरी फैमिली। अल्लाह तमाम फैमिली के जो भी हवाइज है मौला कबूल व मंजूर फरमाए। और उसके अलावा है किस्मत अली शेख साहब है और आसिफ रज़ा साहब है, मुनज़िब अली और अगज़ई साहब और मुश्ताक अहमद मैंगरा साहब और ग़ुलाम फ़रीद और उसके अलावा माजिद अली वानी साहब और आसिफ रज़ा और एजाज़ अली साहब और शाइस्ता कंवल साहिबा और उसके अलावा दीगर अफराद में मुजीब अरबानी साहब और सैयदा जी। अल्लाह इन तमाम मोमिनीन के जो जो भी हवाइज है मौला कबूल मंजूर फरमाए और इंशाल्लाह सबको करबला आने की तौफीक नसीब फरमाए। और ग़ुलाम सरवर साहब और शाइस्ता कंवल साहिबा अल्लाह इन मोमिनीन की भी दुआओं को मुस्तजाब फरमाए। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी बिस्मिल्लाह फरमाएं, आपकी आवाज़ करबला में है, अपने मौला को सलाम कीजिए। क्या मैं ज़ियारत आशूरा पढ़ सकती हूँ? ज़ियारत आशूरा तो काफ़ी तुलानी है, आप पढ़ना शुरू कर दीजिएगा, जितना थोड़ा सा यहाँ पढ़ लीजिएगा और फिर बाकी को आप घर में पढ़ लीजिए। बिस्मिल्लाह। ज़ियारत वारिसा पढ़ लेती हूँ? जी ज़ियारत वारिसा पढ़ लीजिएगा। जी जी बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ियारत पढ़ती हूँ ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहि सलाम। अस्सलाम वालेकुम अब अब्दुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम अब रसूलुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। ज़ियारत पढ़ती हूँ ज़ियारत वारिसा कुर्बतनिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम अब वारिसा आदम सिफतिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम अब वारिसा नूह नबील्लाह, अस्सलाम वालेकुम अब वारिसा इब्राहिम खलील्लाह, अस्सलाम वालेकुम अब वारिसा मूसा कमील्लाह, अस्सलाम वालेकुम अब वारिसा ईसा रूहुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम अब वारिसा मोहम्मद नबील्लाह, अस्सलाम वालेकुम अब वारिसा अमीरुल मोमिनीन औलियाल्लाह, अस्सलाम वालेकुम अब मोहम्मदुल मुस्तफा, अस्सलाम वालेकुम अब मुर्तज़ा, अस्सलाम वालेकुम अब फातिमा ज़हरा, अस्सलाम वालेकुम अब खदीजतुल कुबरा, अस्सलाम वालेकुम सहर अल्लाह वबना सारी बल वित्र मोतुर अशहदु अन्ना वक़द क़मत सलात व आत ज़कात मरता बिमारूफ व नहतन वात अल्लाह रसूल का यकीन है। अल्लाहुम्मतन कतलत कान, अल्लाहुम्मतन ज़लमत कान, अल्लाहुम्मतन सामत फ़ज़ाल का फ़रज़ देही या मौला या अब्दुल्लाह शद अन्ना का कुंत नूर तिस्लाब शामत वर अरहम तहारत लम तनजिस का जाहलत बन जाल سلام تلبس قيم المظلمات الشعب أشهد أنك من دعاء الدين إرفان المؤمنين وأشهد أنك إمام البرئي التقي الرزي الزكي الهادي المهدي وأشهد أنك أئمة من بلدك كلمة تقوى علم الهدى والورد الوسطى والاتضاح للدنيا أشهد الله ملائكته وأنبياؤه ورسوله نبيكم ومن بعدكم ومن شرائع ديني خواتي عملي لقلبي قلبكم سلم لأمر أمركم متابع صلاة الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أشهادكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم اللهم अल्लाह आपकी इस खुलूस को कबूल फरमाए और इंशाल्लाह जो भी आपके हवाइज है अल्लाह हवाइज को बरआवदा फरमाए और इंशाल्लाह आपको करबला आने की तौफीक नसीब फरमाए। लाइन पे मौजूद है आसिफ रज़ा नीलोफर लगारी साहिबा, सैयदा नाहिद जैदी साहिबा, आरिफा तालपुर सैयदा जी और उसके अलावा हमारे साथ शामिल हैं मुसरत सोमरो साहिबा, सारा हुसैनी साहिबा और तूरी साहब है और उसके अलावा वसीम मंसूरी साहब और जहरावानी साहिबा, जुल्फ़िकार मीर साहब और मुश्ताक अहमद मैंगरा साहब और दीगर जो मोमिनीन हैं मौला तमाम मोमिनीन की दुआओं को मुस्तजाब फरमाएँ। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी अपने मौला को सलाम पेश फरमाएं। बिस्मिल्लाह। नवाहे परवरदिगारे दो आलम से सरकार बावफा मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के सदक़े में मालिक मेरे वक्त के इमाम के ज़हूर में ताजील फरमाए। मौला मेरे वालिद अज़ली मौलाई के दरजात बुलंद फरमाए, उनकी रूह को तस्कीन और सुकून इनायत फरमाए। मौला मेरी वालिदा को सेहत और सलामती वाली ज़िंदगी इनायत फरमाए। मालिक मेरे भाई के रिज़्क़ माल ईमान और सेहत में बरकत दे और मौला मुझे हकीर के गुनाहों को माफ़ कर दे और जल्द से जल्द जाने की तौफीक हासिल हो और मालिका को उसने काम का जो अज़ीम इनायत फरमाए और दुनिया आखिर दोनों में कामयाब और कामयाब इनायत फरमाए। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलीकल फ़रज। मौला आपकी दुआओं को मुस्तजाब फरमाए और खुसूसन आपके वालिद मरहूम के दराजात को बुलंद फरमाए, करबला आने की तौफीक नसीब फरमाए। शुक्रगुजार है आपके। लाइन पे हमारे साथ मौजूद है इनायत हुसैन साहब और कामरान हैदर साहब, सैयदा जी इनायत हुसैन और शाइस्ता कंवल साहिबा। कुछ हवाइज है, अल्लाह हवाइज को बहक से शुहदा अलैहिस्सलाम कबूल और मंजूर फरमाए इंशाअल्लाह। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी बिस्मिल्लाह फरमाए, मौला को सलाम पेश कीजिए। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न अल हुसैन व अला औलाद अल हुसैन व अला असहाब अल हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि या इबादुल्लाह अल हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि या इबादुल्लाह अल हुसैन। अस्सलामु अलैकुम या बकियतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम मुंतकिम करबला, अस्सलामु अलैकुम या अबुल फजल अब्बास, अस्सलामु अलैकुम या कमल बनी हाशिम, अस्सलामु अलैकुम या शहदाए करबला। ए रब करीम ए रब रहीम, ए मेरे खालिक ए मेरे मालिक ए मेरे राज़िक, तुझे वास्ता जनाब सकीना और मौला अब्बास का। ए मौला अब्बास आपको वास्ता अपनी प्यारी भतीजी बीबी सकीना का, आपको वास्ता अपने भाई मौला असलम मौला हुसैन का। ए मौला हुसैन आपको वास्ता अबुल फजल अब्बास और बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का, 72 तन शहीदान करबला सिराज करबला का वास्ता है। ए रब करीम ए रब रहीम, इन हस्तियों के सदके मैं तवस्सुल करती हूँ तेरी बारगाह में। सैयद अब्बास को तुलानी उम्र से जिंदगी और इसकी कसी अता कर, अपनी जात के सिवा कभी किसी का मुताज न करना। हमारे बाबा सैयद अब्दुल्ला हुसैनी को आम मासूमीन के जवार में जगह अता फरमा। ए रब करीम तुझे जनाब जहरा का वास्ता दे के सवाल करती हूँ, इस नए साल में सैयद अब्बास को रिस्क कसीर अता कर और उनकी जितनी भी मुश्किलात है भाके जनाब जहरा वो दूर कर, उन पर अपना नजर करम कर। इमाम जमाना के सदके इमाम जमाना के अवाम अंसार में उनका शुमार कर और उनको सेहत वाली लम्बी जिंदगी अता कर, उनकी मुसीबतें परेशानियां बलाएं तमाम दूर कर। रब करीम हमारे घरों पे सैयद अब्बास का सया सलामत रख, तुझे वास्ता यूसुफ से जहरा बकियतुल्लाह का मेरी दुआ कबूल फरमा। सैयद अब्बास को तुलानी सेहत वाली लम्बी जिंदगी अता कर। आमीन तुम आमीन। अल्लाह आपकी दुआओं को मुस्तजाब फरमाए और इंशाल्लाह करबला बार बार आने की तौफीक नसीब फरमाए। कामरान हैदर साहब रोज़गार के लिए दुआ फरमा रहे हैं, मौला इनको रोज़गार अता फरमाए और इनके रिज़्क़ हलाल में बरकत अता फरमाए इंशाअल्लाह। और उसके अलावा मुसरत सोमर साहिबा और नजीब नक़ाब अली साहब और आमिल हसन साहब, मुश्ताक अहमद मैंगरा साहब और इनकी भी हवाइज है। इनके भाई को अल्लाह नौकरी अता फरमाए और दीगर जो मोमिनीन है, मौला जिनकी जो भी हवाइज है मौला कबूल और मंजूर फरमाए, सबको करबला आने की तौफीक नसीब फरमाए और इंशाल्लाह सबको रिज़्क़ कसीर अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी बिस्मिल्लाह फरमाए हुजूर, आपकी आवाज़ करबला में है, मौला को सलाम पेश कीजिए। अस्सलामु अलैका या मौला या अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन वाला अली इब्न अल हुसैन वाला औलाद अल हुसैन वाला असहाब अल हुसैन वाला अंसार अल हुसैन वाला शरीकत अल हुसैन। अस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैका या नबीयुल्लाह। अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन। अस्सलामु अलैका या मौला या अबुल फजल अब्बास। अस्सलामु अलैका या मौला या सैयद साहिब अस्र ज़मान अलमान अलमान अलमान। अल्लाह ताला हमारे इमाम को जल्द अज जल्द ज़हूर फरमाएंगे, हमारे आँखों के इसके पुरनूर चश्म दिखाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपको भी सेहत सलामत रखेंगे। टीम को भी मैं बहुत शुक्रगुजार आपकी टीम का कि रोज़ाना आप हमारी ये ज़ियारत हमारी आवाज़ करबला इमाम हुसैन के ज़रिए तक पहुँचाते हैं। शुक्रगुजार है आपके चैनल को देंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह आपको लंबी ज़िंदगी अता फरमाए और इंशाअल्लाह करबला आने की तौफीक नसीब फरमाए। शुक्रिया। बहुत सारे मोमिनीन जो करबला मुक़द्दसा आना चाहते हैं, इस प्रोग्राम का मकसद भी यही है कि फ़रोग़ ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत इमाम ज़माना जल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की ग़ैबत के ज़माने में जो हमारी ज़िम्मेदारी है, ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ताक़ीद की गई है और यही इंतज़ार का सही तरीक़ा बताया गया है कि अगर कोई शख्स इंतज़ार मौला इमाम ज़माना जल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ है तो ज़्यादा से ज़्यादा इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मुतवस्सिल रहे। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मौला अलैहिस्सलाम में हसन अलैहिस्सलाम में हुसैन अलैहिस्सलाम या बीबी फातिमा अलैहिस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आल मुहम्मद। आपको मरियम की तरफ से सलाम, मेरी वालदा के दादा की तरफ से सलाम। अल्लाह के हजूर अर्ज करें अपनी बारगाह में हमें हाजिर का अल्लाह ताला मौका अता फरमाए। मेरी वालदा के दादा को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। वालदा बहुत याद आती है हुसैन, मेरी वालदा को जन्नत में अपनी ज़ियारत करा दीजिए। हसन हुसैन अपने दर पे बुला लीजिए। अल्लाह के हजूर अर्ज करें हमें तमाम अमल और कॉल और फेल ऐसे करने की तौफीक दें जैसा कि इस्लाम में है। मेरे बहन भाइयों हम सब पे रहम करम फजल कर दे, मेरी वालदा की बख्शिश कर दे और हमें सब्र दे दे। आमीन सुम आमीन। मौला आपकी तमाम दुआओं को मुस्तजाब फरमाए और इंशाल्लाह शुक्रिया सलामत रहे। अल्लाह आपके पूरे घर वालों को खुश रखे और करबला आने की तौफीक नसीब फरमाए। लाइन पे मौजूद है हैदरी कासिम मैंगरा और मुसरत सोमरो, नुजहत ख़ान और फ़ातिमा शहज़ादी और उसके अलावा सैयदा जी और इम्तियाज़ शायर और उसके अलावा दीगर मोमिनीन भी है जिनके नाम सही नहीं लिखे हैं। अगर कोई ख़ास दुआ करना चाहे तो गुजारिश है कि अपने नाम वगैरह भी लिखा करें कमेंट्स में, इंशाल्लाह उनका नाम भी लिया करेंगे। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जी बिस्मिल्लाह फरमाएं, आपकी आवाज़ करबला में है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम, अस्सलामु अलैकुम या सय्यदतना बीवी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, अस्सलामु अलैकुम या हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम, अस्सलामु अलैकुम या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, अस्सलामु अलैकुम या इब्ने रसूलल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या सय्यदुश शुहदा, अस्सलामु अलैकुम या अबुल फज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम, अस्सलामु अलैकुम या बीवी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, अस्सलामु अलैकुम या शुहदा करबला। ये बीबी फातिमा ज़हरा के लिए हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम ज़हरा सलाम ज़हरा, तेरे घराने की अज़मतों को सलाम ज़हरा सलाम ज़हरा। जहाँ भी होते हैं जिक्र तेरे अजीम घर का मोहब्बतों से, मैं रोज करता हूँ उन घरों को सलाम ज़हरा सलाम ज़हरा। बिलाल हबशी कभी अबूजर कभी है जिब्रील तेरे दर पर, तुम्हारी चौखट के नौकरों को सलाम ज़हरा सलाम ज़हरा। हो नहीं सकती रकम बिनते शाहे बतहा की शान, हो नहीं सकती रकम बिनते शाहे बतहा की शान, क्या बया हो कतराए नाचीज से दरिया की शान। एक जर्रा क्या अहाता कर सके खुर्शीद का, एक अदना क्या समझ सकता है उस आला की शान। वाह, ये रूह अक्लो शऊर भी है, ये रूह अक्ले शऊर भी है, दिले फरवे उसूल भी है। फलक पे हो तो अली की जोजा, जमी पे हो तो बतूल भी है। अली के घर से खुदा के घर तक, अली के घर से खुदा के घर तक शऊर की कहकशां है ज़हरा। उसी के नक्शे कदम की बरकत ने माहो अंजुम को नूर बख्शा, उसी के घर के गदागरों ने है आदमी को शऊर बख्शा। उसी की खातिर तो हक ने सहरा को जलवाए को हेतूर बख्शा, जो उसका गम लेकर मर गया है खुदा ने उसको जरूर बख्शा। सलाम ज़हरा सलाम ज़हरा, ये चक्की सैयदा की चल रही है, जमाना जितना लंगर खा रहा है। कहेंगे मुस्तफा कदमों से लग जा, दरे ज़हरा से होकर आ रहा है। सनाए सैयदा आयत में खुद खुदाए लम यज़िल फरमा रहा है। ये बंदा बेनवा ज़हरा के सदके जमाने भर की इज्जत पा रहा है। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह आपके तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए और आपके इस नजराने को कबूल फरमाए और इसके बदले में दुनिया और आखिरत की खैर आपको नसीब फरमाए। करबला आने की तौफीक भी नसीब फरमाए इंशाअल्लाह। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी बिस्मिल्लाह फरमाए, आपकी आवाज़ करबला में है, अपने मौला को सलाम पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम व अबा अब्दुल्लाह व अला अल-अरवाहिल लती हल्लत बिफनाय अलैका मिन्नी सलामुल्लाहि अबदन मा बक़ीत वबक़िया الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته। आपकी बात अर्ज करती हूँ दुआ के लिए कि इमाम के हरम में हम सबकी ज़ियारत के लिए खुसूसी दुआ कीजिएगा कि खुदा हम सबको जल्द करबला की ज़ियारत नसीब फरमाए और हमारे इमाम को ज़रूर में ताजील फरमाए। इलाही आमीन। मौला आपकी दुआओं को मुस्तजाब फरमाए। जज़ाकल्लाह खैरा। मौला सलामत रखे आपको, अल्लाह आपकी तमाम दुआओं को मुस्तजाब फरमाए और इंशाल्लाह करबला आने की तौफीक नसीब फरमाए और इंशाल्लाह जो भी आपके हवाइज है मौला बरावरदा फरमाए इंशाल्लाह। राह दूर से खुलूस के साथ ज़ियारत हज़रत अबी अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तिलावत करना ये यकीनन किस्मत वाले लोग ये कर सकते हैं, चूँकि इससे ये चीज़ तो साबित है कि इनके दिल में अल्लाह ने हुब्ब इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हुब्ब ज़ियारत करबला करबला इनके वजूद में है और ये अल्लाह की ख़ास नेमत है। लाइन पे हमारे साथ मौजूद है तफज़ुल हुसैन और मुसरत सोमरो, रिजवान अली और उसके अलावा बेजार अली और वसीम मिर्ज़ा और दीगर जो मोमिनीन हमारे साथ मौजूद हैं, मौला तमाम मोमिनीन की दुआओं को मुस्तजाब फरमाए। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अल्लाहु समद। लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम जमाअत। अस्सलामु अलैकुम अली मुश्किल कुशा मौला अली। अस्सलामु अलैकुम साइन ज़ुहरा। अस्सलामु अलैकुम हसन मुजतबा करीम। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम अबा अब्दुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम मौलाद हुसैन। अस्सलामु अलैकुम साहब हुसैन। अस्सलामु अलैकुम अबुल अब्बास अलमदार। अस्सलाम वालेकुम हसन मुस्तफा करीम। अस्सलाम वालेकुम सैयद मजलूम करबला। अस्सलाम वालेकुम इमाम बाकर मासूम करबला। अस्सलाम वालेकुम जाफर सादिक। अस्सलाम वालेकुम अब्बा मूसा काज़िम। अस्सलाम वालेकुम गरीबुल गुरबा मौला। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम इमाम नकी। अस्सलाम वालेकुम इमाम तकी। अस्सलाम वालेकुम हसन अस्करी। अस्सलाम वालेकुम जामिन जमान मेहदी अलैहिस्सलाम। अल्लाह मान अल्लाह मान अल्लाह मान जा मौला। अल्लाह तन पाक जो सदको ॾिनो अथई या रब्बुल आलमीन, इन जे वसीले सां या रब्बुल आलमीन सभिनि जो ख़ैर इमाम ज़हूर थिए, सॼी दुनिया जन्नत में वसी वसी थी वञे। मुंहिंजा मालिक सभु कुझु मूंखे सदके में ॾिनो अथई। मुंहिंजा अल्लाह सभु कुझु बरकतूं रहमतुनि सां बख़्शे ॾिए। या रब जेके मोमिन विया आहिनि, जेके विया आहिनि, जेके असांजा विया आहिनि ऐं उन में आऊं शामिल आहियां मौला, सभिनि जी मक़सद ख़ात्मा बिल ख़ैर थिए। या रब्बुल आलमीन जेके बचड़ा न थिया उन्हनि जी हर मुश्किल माफ़ी थियनि। या रब रोज़ीअ में बचड़नि जो रोज़ी मिले उन्हनि खे बरकतूं रहमत सलामती, हर मुश्किल माफ़ी, परेशानियुनि खां पनाह, कुल जहान खे पनाह, बचड़नि खे वसीले सां बेड़ा पार थियनि, हर जॻह बेड़ा पार। साईं ज़ैनब जे सदके में नियाणियुनि जा सभु कंहिंजा भार भला हुजनि, मुंहिंजे बचड़ियुनि जा नसीब भला। अली मुश्किल कुशा मौला अली जो सदको सॼी दुनिया जी मुश्किलूं माफ़ी, मुंहिंजी बि मुश्किलूं माफ़ी, मुंहिंजे बचनि जी बि। या रब्बुल आलमीन उन ज़मीन ते सजदा अची ॾियां। पंहिंजा इमाम जे रस्ते जे वसीले सां सदके उनखे सभु कुझु मिला, वसीले सां बेड़ा पाए। या रब आऊं हिते अचां, सजदा ॾियां, सभु मुंहिंजी मुश्किलूं माफ़ी थी वञनि, गुनाहनि जी बख़्शिश मिले। मुंहिंजा मौला सॼा कुल जहान खे बख़्शिश मिले, मुंहिंजे अहल अयाल खे बख़्शिश मिले, मूंखे बि मिले, मुंहिंजे बचड़नि खे कुल निमाज़ जी हिदायत मिले, हर जॻह ते कामयाबी ख़ुशि वक़्ती। अलमान अलमान अलाम सल्ला मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब्दुल्ला फराजम साइन ज़ुहरा जे सदके, बि ज़ैनब जे सदके, कुल निहायनि जी शफ़ाए कामला, हिदायतूं कामयाबी। कुल अली मुश्किल कुशा मौला अली जे अली हर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा पारिसनि जे सदके हर जॻह माफ़ियूं बरकतूं रहमतूं सॼे आलम ते। असांजे मुल्क पाकिस्तान जो बि ख़ैर मुंहिंजा मौला, हिन जो बि ख़ैर करे, हर हर मोमिन जो ख़ैर। अलाह साईं अलाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। अब्दुल्ला फराजम अल्लाह मदद मौला अली मदद। हुसैन मुस्तफ़ा करीमा मौला मदद। मौला आपकी तमाम दुआओं को मुस्तजाब फरमाए और इंशाल्लाह करबला आने की तौफीक। सलामत रहे, शुक्रगुजार हैं। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह। सलाम अलैकुम। जी बिस्मिल्लाह फरमाए। आपकी आवाज़ करबला में है, मौला को सलाम पेश कीजिए। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी बिस्मिल्लाह फरमाए। आपकी आवाज़ करबला में है, अपने मौला को सलाम पेश कीजिए और दुआओं को तलब फरमाए। बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम या मौला हुसैन बादशाह हुसैन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रसूलुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम या साहिब ज़मान। अस्सलाम वालेकुम खलीफतुर रहमान। अस्सलाम वालेकुम रहमान। अस्सलाम वालेकुम शरीकुर कुरान। अस्सलाम वालेकुम इमाम ज़ुरदान। अस्सलाम वालेकुम इमाम ज़मान हार अल्लाह ताला फरज सल्लल्लाहु अलैहि व ज़ुहूर व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं सलाम पेश करती हूँ अपने आखा हुसैन मौला हुसैन बादशाह हुसैन को। सलाम पेश करती हूँ जिंदा इमाम अलैहिस्सलाम को, तो पर्दा गायब में है और जल्द से जल्द ज़हूर फरमाए। मौला अपने दुश्मनों को नष्ट नाबूद कर दे मौला, और जितनी भी परेशान हाल है सबकी परेशानी को दूर कर दे मौला। जो भी आस उनकी आस को पूरा करे मौला। जो बेरोजगार है, जो कर्जदार है, जो मायूस है, जो बेघर है मौला, सबके दिली मुरादों को, दिली हाजतों को पूरा करे। और जितने में मोमिन मोमिनात हैं मौला जिंदा उनकी दिहाई को पूरा करे। जो मर गए मरहूम हो चुके हैं मौला उनके सारे खबरों को मौला दूर करना, उनकी खबरों की परेशानी को दूर करना मौला, उनके साथ उनको फैमिली मेरी परेशानी को दूर करना मौला। तो जायज़ात हाजात है मौला मेरी हाजतों को कबूल फरमाना, मेरे गुनाह है मेरे गुनाहों को माफ़ कर देना मौला। मैं खतवाब हूँ, परेशान हाल, मेरी परेशानियों को दूर कर दीजिएगा मौला। आप ही का सहारा मौला, आप ही का साया बना रहे मौला। मेरे घर पे मेरे बच्चों मेरे शौहर पे मौला, मेरे घर में अमन अमान रहे मौला। मेरा कर्जा अदा हो जाए, मेरे शौहर का कर्जा अदा हो जाए, मेरे बच्चे सेहतमंद रहे जिंदगी सेहत के साथ। उनकी दिल तमन्नाएं पूरी कर दीजिएगा मौला, उनकी परेशानी को दूर कर दीजिएगा मौला। पढ़ाई में मन लगे मौला, अच्छे नंबरों से पास हो जाए मौला। मेरे शौहर की रोजा मिजा बहुत कर्जा अदा हो जाए, हर हफ्ते नहाने से बचाइएगा मौला। वास्ता है आपको बीमारी करबला का सदके में तो फैल में मेरे घर की जितने भी रिश्तेदार जितने भी मेरे अजीज़दार सबकी परेशानियाँ सबकी बीमारियाँ दूर कर दीजिएगा मौला। वास्ता आपके बारे इमाम चादर मासूमीन का करबला के बहादुर को शेदान करबला का अमीर मोमिनीन अलैहिस्सलाम का वास्ता सदके में तो फैल मौला, उनके हवाले से मौला। आठवें इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के सदके में तो फैल मौला। मेरे शौहर की मौला जो जायज़ आ जाती है उनको कबूल फरमाइए मौला। जायज़ तरीके से रिज़्क़ रोज़ी कमाए मौला, अपनी दिली मुरादों को पूरा करे मौला। अपने कामयाबी मौला नया कामयाबी मिले मौला। उनके गुनाहों को बख्श दीजिएगा, उनकी खताओं को माफ़ कर दीजिए मौला। जाने जाने में जो गलतियाँ हो गई हैं मौला, मुझसे मेरे बच्चों से मेरी उन गलतियों को माफ़ कर दीजिएगा मौला। मैं बहुत परेशान हाल हूँ, मेरी परेशानी को दूर कर दीजिएगा मौला। आप ही का सहारा मौला, मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया हूँ, किसी के आगे सर न झुकाऊं सिवाय आपके दर के आगे मौला। बस आप ही का परचम बना रहे, आप ही का साया बना रहे मौला। आमीन मौला। आपकी तमाम दुआओं को मुस्तजाब फरमाए। अल्लाह आपके रिस्क में बरकत अता फरमाए, बच्चों को कामयाबियाँ अता फरमाए और इंशाअल्लाह करबला आने की तौफीक नसीब फरमाए। शुक्रगुजार हैं आपके। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। मदद मौला अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाह फरमाए। मौला अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाह फरमाए। आपकी आवाज़ करबला में है, मौला को सलाम पेश कीजिए। बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन। अस्सलाम वालेकुम या अली इब्न हुसैन। अस्सलाम वालेकुम या औलाद अल हुसैन। अस्सलाम वालेकुम या असहाब अल हुसैन। अस्सलाम वालेकुम या अरवाह अल हुसैन। अस्सलाम वालेकुम या बकियतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम या सकाए सकीना। अस्सलाम वालेकुम या साकिए ताशिए करबला। अस्सलाम वालेकुम या फखरे उम्मल बनीन। अस्सलाम वालेकुम या फखरे कमरे बनी हाकिम। अस्सलाम वालेकुम या फखरे शेर खुदा। अस्सलाम वालेकुम या बिनते नबुआ। अस्सलाम वालेकुम या बिनते अमीरुल मोमिनीन। अस्सलाम वालेकुम या बिनते बीबी खदीजतुल कुबरा सैयदतुन निसा। अस्सलाम वालेकुम या बिनते बीबी फातिमतुल ज़हरा सिद्दीकतुल कुबरा। अस्सलाम वालेकुम या शरीकतुल हुसैन। अस्सलाम वालेकुम या सानिया ज़हरा। अस्सलाम वालेकुम या बीबी ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा। अस्सलाम वालेकुम या इमाम जामिनयाहू। अस्सलाम वालेकुम या इमाम गरीबुल गुरबा। अस्सलाम वालेकुम या इमाम मौला रज़ा। अस्सलाम वालेकुम या अमीरुल मोमिनीन। अस्सलाम वालेकुम या अबुल हसन। अस्सलाम वालेकुम या इमाम अली इब्न अबी तालिब। बारगाह इलाह आपको वास्ता है मौला हुसैन की शहादत का, गाजी अब्बास की शहादत का, साइन ज़ैनब सलामुल्लाह की शहादत का, शहज़ाद अली असगर की शहादत का, साइन सकीना की शहादत का, शहज़ाद अली अकबर की शहादत का, शहज़ाद कासिम की शहादत का, इमाम हसन मुश्तबा की शहादत का, इमाम सज्जाद की शहादत का, इमाम जाफर सादिक की शहादत का, मुस्लिम बिन अकील की शहादत का, ओन मोहम्मद की शहादत का, बीबी फातिमतुल ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शहादत का, या अली मुश्किल खुशा शेर खुदा की शहादत का, बेटे मोहम्मद का वास्ता है आपको बारगाह इलाह। जो मोमिन की हाजात में अपनी बारगाह में कबूल मकबूल फरमाए। जो मोमिन करबला आना चाहते हैं मुझ समेत उनको करबला की ज़ियारत नसीब फरमाए। बारगाह इलाह जमाने में कोई गम नहीं देना सवाए गम में मजलूम है करबला के। बारगाह इलाह जमाने में किसी का मोहताज न करना, मोहताज करना अपना करना, गैब में मदद फरमा, कारोबार में रिस्क रोजी में बरकत फरमाना, जिंदगी रात अपनी चर की। बारगाह इलाह फुत्रोस टीम को अपने हिफ्ज़ मान रखना। बारगाह इलाह आज दावत मकबूल अमला अल्लाह बाबा की लंबी उम्र के लिए दुआ, अम्मा की सेहत के लिए दुआ, भाई के लिए दुआ, भाई के बच्चों के लिए दुआ, मेरे बच्चों के लिए दुआ, सारे मोमिन के बच्चों के लिए दुआ, सारे मोमिन के लिए दुआ। बारगाह इलाज हो जो मोमिन की हाजात है, बारगाह अपनी बारगाह में कबूल मकबूल फरमाया। बारगाह हमें अपने आप से दूर नहीं करना, मौला हुसैन से दूर नहीं करना, अलबैत से दूर नहीं करना। बारगाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या बाबुल हवाज, लब्बैक या बाबुल हवाज, लब्बैक जनाब अली अकबर, लब्बैक जनाब अली असगर, लब्बैक जनाब घोट कासिम, बीबी फातिमा ज़हरा अस्सलामु अलैका। हक खाने वालों पे लानत बेशुमार, बीबी फातिमा ज़हरा अस्सलामु अलैका पे जुल्म करने वालों पे लानत बेशुमार, करबला के सादात को तकलीफ देने वाले पे लानत बेशुमार, पे लानत बेशुमार। जी मौला सलामत, मौला आपको सलामत रखे, अल्लाह आपके इस खुलूस को कबूल फरमाए और इंशाल्लाह करबला आने की तौफीक नसीब फरमाए। मौला के अफ़ज़ामान में रहे इंशाल्लाह। प्रोग्राम फुतरोस जो कि मोमिनीन का अपना प्रोग्राम है और इसमें जो मोमिनीन दुआएं करते हैं और ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम पढ़ते हैं, यकीनन हम भी यहाँ पर उनके लिए नायब ज़ियारा और दुआ गो है। अलबत्ता यही जो खुलूस है उनका, ये काफ़ी है और यकीनन मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक ख़ास रहम करम है लोगों के ऊपर कि जो राह दूर से हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत के मुश्ताक़ है और हुब्ब ज़ियारत करबला इनके वजूद में है। जैसे हदीस में वारिद हुआ कि खुदा जिसकी खैर चाहे तो उसके दिल में ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम और करबला का शौक़ डाल देता है, मोहब्बत डाल देता है। और इसके बरक्स जिन लोगों का बुरा चाहे तो यकीनन उनके वजूद में इन चीज़ों से नफ़रत हो जाती है। तो ये गोया अल्लाह की ख़ास मेहरबानी है कि जब अल्लाह मेहरबान हो जाए तो उस वक्त कहीं जाके इंसान मुश्ताक हो जाता है ज़ियारत हज़रत अबी अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम और ख़ुद करबला मुक़द्दसा। ये ख़ुद मोमिन की पहचान है और ख़ुद ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मोमिनीन के अलामात में से ज़िक्र कर दिया गया है, मखसूसन ज़ियारत अरबईन को। लेकिन जितनी भी ज़ियारत है बहरहाल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो कि इस दौर में और हर दौर में ईमान की निशानी समझी जाती थी और हत्ता सख्त अदवार में भी मासूमीन अलैहिस्सलाम ने किसी को ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से नहीं रोका। हत्ता जान का ख़तरा होता था लेकिन किसी को रोका नहीं। तो यकीनन इस उन्वान से ये चीज़ हमारे लिए वाज़ह है, इसकी अहमियत और इसकी जो फजीलत है वो हमारे लिए वाज़ह है। और मैं ये भी अर्ज़ करूँ कि ख़ुद ये राह बईद से जो ज़ियारत है, अगर इंसान नहीं आ सकता और ज़ियारत कर रहा है तो इसका भी उतना ही सवाब है कि जितना एक आदमी करबला में आके ज़ियारत करे इमाम हुसैन इस्लाम की। वक्त तकरीबन हमारा इंतहा पर है। हुज्जत खुदा के ज़हूर के लिए दुआ गो है। अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलियकल फ़रज।